नाता ही टूट जाए। विदेशों में तो तलाक का ये जायज कारण माना जाता है अदालतों द्वारा भी। अगर वहां आप जाकर कह दें कि ये मेरे पति देव है या मेरी पत्नी है और इनमें अब ये ताकत नहीं रही कि ये भरण पोषण कर सके घर का, तो अदालत कहेगी ये बात ठीक है, हम तलाक स्वीकार करते हैं। इसी तरीके से अगर आप जाकर सिद्ध कर दें कि पति में अब ताकत नहीं रही कि वो आपको शारीरिक रूप से संतुष्ट कर सके, तो अदालत कहेगी ये बात ठीक है, हम तलाक स्वीकार करते हैं। ये तो रिश्ते हैं हमारे। और फिर ऐसे ही रिश्तों को बचाए रखने के लिए हमें उठपटांग नौकरियां करनी पड़ती हैं, नालायक तरीके के बॉस लोगों के सामने नाक रगड़नी पड़ती है। सोच के तो देखो कि उसके सामने क्यों नाक रगड़नी पड़ती है। इसलिए रगड़नी पड़ती है क्योंकि अगर मोटी गठरी घर लेकर नहीं आओगे तो घर टूट जाएगा। ये घर प्रेम पर नहीं चल रहा है, ये घर स्वार्थ पर चल रहा है। अगर आपके सब रिश्ते सही होते तो क्या आपको कमाने की और नौकरी की उतनी परवाह करनी पड़ती जितनी अभी करनी पड़ती है? दिल से बताइएगा।